लोगों का स्वागत है। वाह 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 वाह, क्या लग रहे हो? क्या लग रहा है मतलब? दूल्हा नहीं लग रहा है? अब दूल्हा है तो दूल्हा ही लगोगे ना। वो कहाँ है? अरे शुक्ला जी, शुक्ला जी, यही हमारा समस्त परिवार है संपूर्ण। ये नहीं, वो कमीशन कहाँ है? हाँ पैसा पैसा लाया है ना। अरे पूजनीय माता जी, शुक्ला जी को पैसा दीजिए। हाय दैया, कौन पैसा की बात कर रहा है? हम लल्ला भोजपुरी माँ, ये तो वो एक्टिंग की दुकान है। अरे माँ माँ, वो पैसे जो दीदी आपको ये दीदी दी थी ना पैसा मम्मी को। वो पैसा तो हम संतू को दिए रहे। What? या वो मनी मैंने जाजी को दे दिए। डैडी को क्यों दिए? हमारे पास रखवाती। जाजी आप ही तो हैं। जाजी पिताजी बहुत बहुत मजाक करते हैं। मैं ही डैडी, मैं ही पिताजी, इसने मेरे पास दिए थे, वही पैसे मैंने लल्ला को दिए। लल्ला? और फिर ले भी तो लिए। किसने लिए? इन्होंने लिए। पुष्पा, हमने हाय दैया, वो पैसा तो हम थाने में भूल आए। थाना? मजाक। खाने बावर्ची खाने में भूले हैं। बावर्ची खाने में भूले हो? ठीक है, वहाँ पे किसी को भिजवाओ और मंगवा लो। कितना टाइम लगेगा? वो आने जाने में 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे ना। 2-2.5 घंटे? नहीं नहीं नहीं, आधे घंटे में हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना शादी कैंसिल। नहीं, रुकिए, एक मिनट, शादी मत रुकवाइए। हम किसी भी तरीके से आधे घंटे में पैसे इकट्ठे करके आपको देंगे, तब तक आप रस्म शुरू करवाइए। हाँ ठीक है, आधे घंटे में हमें पैसे मिल जाने चाहिए, वरना शादी कैंसिल। हाँ, हम करते हैं। हेलो, हाँ इधर ही सुनो, पुष्पा जी एक काम बोला था आपको, बस एक काम। पड़े रहो एक जगह। एक काम बोला था आपको बस, वो भी नहीं आपसे ठीक से। सुनो जल्दी पकड़ो कार्ड, ये जाओ एटीएम और पैसे निकाल कर लाओ। मैडम सर, कार्ड से 1.5 लाख कैश कैसे निकलेगा? उसको 1.5 लाख एडवांस देना है। अच्छा ठीक है, जितना इस कार्ड से निकलता है उतना निकालो, बचे हुए अपने अकाउंट से दो, हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। मैडम सर, शेरवानी में पॉकेट सिलवाते बहुत गंदा लगता है, इसीलिए बटुआ थाना में छोड़कर आ गए हम। पुष्पा जी आप कार्ड निकालिए। अभी साड़ी के साथ कोनो पर्स है। शुक्ला जी, हम अपना बैग नहीं लाए। संतोष कार्ड दो अपना जल्दी। हाँ लीजिए मैडम सर, लीजिए मैडम सर। तो कुछ मिलेगा नहीं? वो एक्चुअली सैलरी मिली नहीं है और सेविंग सारी खत्म हो गई ना, फिलहाल के लिए इट्स नील बटर सन्नाटा। सेम हियर। ओह गॉड, अब क्या करें? मैडम सर, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, आप मुझे सिर्फ पिस्तौल दे दो, मैं पास वाले बैंक में जाकर पैसे निकाल के लाता हूँ। बिल्ला बिल्लू, तुम चुप रहो अभी। अगर आधे घंटे के अंदर हमने पैसे लाकर नहीं दिए तो जितना जो हमने पूरा प्लान बनाया है, जो कुछ भी किया है, वो सब एक मिनट में पूरा पानी हो जाएगा। फोन लगाइए इसको। हेलो। हाँ हेलो, हम बोल रहे हैं। हाँ हम सुन रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? अरे गड़बड़ वहाँ कैसे हो सकती है पुष्पा जी, जब हम यहाँ हैं तो गड़बड़ वहाँ कैसे होगी? वो सुनिए ना, वो शुक्ला जी को जो पैसे देने थे ना, वो हम वही थाने में ही भूल आए हैं, चेंजिंग रूम के लॉकर में। हाँ हाँ बढ़िया है सर। अगर आधे घंटे के अंदर शुक्ला को वो पैसे नहीं दिए ना, तो वो शादी कैंसिल कर देगा और सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा, हमारा मिशन भी फेल हो जाएगा। हाँ तो बताइए पुष्पा जी, क्या चाहती हैं आप हमसे? आए हैं बड़ी भोली हैं आप, आपको पता है हम क्या चाहते हैं आपसे? नहीं हम जानते हैं, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं। यही कि
नहीं की क्या नहीं साफ साफ बताइए ना, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है पुष्पा जी, की क्या? यही कि आप फटाफट वो पैसे लेकर यहाँ आ जाइए, हम गेट पर आपका इंतजार करेंगे। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन जाते वक्त आप कह रही थी ना पुष्पा जी कि हम बहुत बड़ा मुसीबत है और मिशन में नहीं है तो कोई मुसीबत नहीं होगी। अब आपको अपनी मुसीबत से बचने के लिए इसी मुसीबत से मदद चाहिए। अरे वो तो बस ऐसे ही फिसल गई थी बात हमारे जुबान से। अच्छा अच्छा अच्छा, वो छोड़ो ना, आप जल्दी लेकर आओ। अच्छा तो आप मान रही है कि आपका गलती था? हाँ मान रही है। ऐसे ऐसे मान रही है? तो फिर कैसे? अब वो भी हम बताएं आपको? सॉरी। क्या? अच्छा बाबा सॉरी। क्या क्या सुनाई नहीं आया हमें, क्या बोलिए? अच्छा बाबा सॉरी। ठीक है अब पड़ गई कलेजे में ठंडक। अच्छा अच्छा बोल दिए हैं आप हमें सॉरी। हाँ ठीक है, मैडम सर से बोलिए कि हम पैसे लेके पहुंच रहे हैं। हाँ अब घर आइए, देखते हैं। आइए आइए, लड़के के परिवार वाले आ गए हैं, आइए आपकी पहचान करवा देता हूँ। आइए आइए आइए। अरे आप चाचा चाची आप भी आ जाओ ना। हाँ तो ये है लड़की के पिता मिश्रा जी, ये उनकी माता जी मिसेस मिश्रा। नमस्ते। ये है उनके चाचा राजेश जी। नमस्ते नमस्ते। और ये है लड़की की चाची शर्मिली। ये हमेशा घूंघट में रहती हैं क्या? शर्मिली है इसीलिए हमेशा घूंघट में रहती है, बहुत शर्माती है ना। और ये है लड़के के पिता। नमस्कार। नमस्ते शुक्ला जी। हाँ। ये रहा आपका बटुआ। हे आपको कहाँ से मिला? यहीं पड़ा मिला। अच्छा चोर उचक्कों से बच के कहीं भी घुस सकते। जी जी बिल्कुल हम ख्याल रखेंगे। अरे लेकिन आपकी धर्मपत्नी? शादी ही नहीं हुई तो पत्नी कहाँ से आएगी? इनका मतलब है कि शादी की रस्में अभी तक शुरू नहीं हुई है ना, तो वो जैसे ही शुरू हो जाएंगी उसके पहले माँ आ जाएंगी। आ जाएगी। और आप कौन? बड़ी बहन है हमारी, दीदी है जी। और ये छोटी बहन? दोस्त की छोटी बहन आज ही अमेरिका से आई है। या अरे दोस्त की बहन हो या आपकी बहन हो एक ही बात है। हम लोग जरा तैयार होकर आते हैं, आप लोग तब तक जलपान वगैरह कीजिए। अरे बिल्कुल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना सब संभाल लेंगे। शर्मिला बेटा वहां टैक्सी से कपड़ों वाला बैग लेकर के आओ। क्या बात है, शादी के दिन दुल्हन का इतना उदास चेहरा? माता जी आपको कोई ऐतराज ना हो तो लता को हम तैयार कर दें। अब ऐतराज की क्या बात है, अब तो ये आपकी ही अमानत है। जा बेटा दीदी के साथ जाओ और तैयार हो जाओ। चलो चीते पैसे। अरे का शुक्ला जी अभी पैसे 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 मरे जा रहे हैं, आ रहे हैं ना आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है नहीं तो फिर क्या? फिर टीचर ने हमसे दूसरा सवाल किया, पूछा कि नदी के बीच में नींबू का पेड़ है तो नींबू कैसे तोड़ोगे? डैम इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमने कहा चिड़िया बनकर, तो टीचर ने कहा बेवकूफ समझा है क्या, तुमको चिड़िया बनाएगा कौन? तो हमने कहा जिसने नदी के बीच में नींबू का पेड़ लगाया है वो। Now I got it. जो भी हो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे हम। इंटेलिजेंस से याद आया तुमने 10th में टॉप किया था, नहीं उम्र क्या है तुम्हारी? 18। 18 टेंथ के लिए थोड़ी ज्यादा नहीं है? वो 3 बार फेल भी तो हुए थे हम। अच्छा फेल होने वाली लड़की ने अचानक किस तरह से टॉप कर लिया, वो भी इतने अच्छे मार्क्स के साथ? वो उसके बाद बहुत सारी मेहनत भी तो की थी राइट?
एक बात बताओ लता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम शादी के लिए अभी बहुत छोटी हो? कहीं तुम्हारे साथ ये सब जबरदस्ती तो नहीं हो रहा? कोई दबाव, प्रेशर, मजबूरी या और कोई वजह? देखो अगर ऐसा है तो तुम हमें बता सकती हो, हम पूरा साथ देंगे। एक कदम भी आगे बढ़ा मेरा मरा मुंह देखेगी लता। आखिरी बार कह रहा हूँ बेटा, चुपचाप जहां हम कहते वहां शादी कर। अगर इस शादी में तुम्हारी मर्जी नहीं है तो फिर नहीं। नहीं, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, मेरी कोई मजबूरी भी नहीं है, मैं ये शादी खुद के मर्जी से कर रही हूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी ही मर्जी है। पता है हमारी अम्मी भी, हमारी माँ भी जो है बहुत शादी के पीछे पड़ी है हमारे। जब देखो यही बोलती है कि शादी कर लो, शादी कर लो। हमने तो उनसे साफ साफ कह दिया है कि पहले कुछ बन जाए, ऐसा कुछ कर लें जिससे हमारे परिवार को हम पे गर्व हो, फिर करेंगे कुछ और। आखिर हमारे भी तो सपने हैं। लता, तुम्हारा क्या सपना है? मेरे कोई सपने नहीं है। ऐसे कैसे? हर किसी का कोई ना कोई सपना तो रहता है ना। नहीं नहीं, मेरे कोई सपने नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूं। लता, तुम्हारे सपनों की चमक तुम्हारी आंखों में साफ दिख रही है। दिख रहा है कि तुम उड़ना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो, लेकिन न जाने किन जंजीरों में जकड़ी हो। तोड़ दो ये जंजीरें, अपनी आंखें बंद करो और सोचो। सोचो एक बार आंखें बंद करके और ध्यान से सुनो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। सोचो कि तुम आजाद हो, खुले आसमान में उड़ रही हो, जो करना चाहती हो, जहां जाना चाहती हो, जैसी जिंदगी जीना चाहती हो जी रही हो, वो सब कुछ कर रही हो जो करना चाहती हो। कोई मजबूरी नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं, अपनी मर्जी से जी रही हो।